सुरेंद्र सहेले की रिपोर्ट। खरगोन के पीकेजी कोचिंग क्लासेस के बच्चों ने लहराया सफलता का परचम। देश भर में सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रिजल्ट घोषित होते ही खुशियां मनाई गई। शहर की निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा तनिषा मौर्य ने खरगोन में टॉप किया। उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के साथियों सहित कोचिंग सेंटर के विशेषज्ञों को दिया। टॉप कर बेटी ने फिर साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। 93.8% अंक हासिल करने वाली तनिषा डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है। गुड इवनिंग, मैं तनिषा मौर्य हूँ। मैं खरगोन की रहने वाली हूँ और मैं सेंट जोसेफ स्कूल से हूँ। मेरे पिताजी का नाम अरविंद मौर्य है, जो कि एक केमिस्ट है, और मेरी मम्मी एक टीचर है। अब आज मैं कहना चाहूँगी कि आज जो मेरे परसेंटेज 93.8 बने हैं, उसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने स्कूल को देना चाहूँगी, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर, टीचर्स सभी इतने सपोर्टिव है। बीकेजी की फैकल्टी तो मैं कहना चाहूँगी खरगोन में बेस्ट फैकल्टीज है। और मेरी स्ट्रीम मैथ्स है, और अभी 12th के रिजल्ट पे मेरे 92.4% बने हैं, और इसका क्रेडिट मेरी स्कूल की सारी टीचर्स, मेरी कोचिंग के सारे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सबको देना चाहती हूँ। मैं क्लास 12th में मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मेरे 12th में 92.6% बने, इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता और मेरे सब शिक्षकों को देना चाहता हूँ। माई नेम इज़ अनुष्का जोशी एंड आई हैव स्कोर्ड 91% इन 12th क्लास। आई एम एक्स स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड आई हैव स्टडीड इन बीकेजी क्लासेस। माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस इंस्टीट्यूट इज़ दैट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत पसंद है, जो स्टूडेंट को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ले जाता है, जो उसे उस पढ़ाई को करने के लिए मोटिवेट करता है। आई एम रिसेंटली स्टडिंग इन बीकेजी लास्ट 4 ईयर्स। यहाँ की बीकेजी क्लासेस खरगोन के टॉप क्लास में से एक है, और यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि मतलब आप पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। मतलब बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पे रहता है, और यहाँ की फैकल्टी बहुत ही प्यारी है और वेल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप कभी भी आओ डाउट पूछने के लिए, आप बिल्कुल फैकल्टी से तैयार रहती है, और यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स है। संजू थायर सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करती हूँ। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। PCM सब्जेक्ट था मैथ्स ग्रुप की, और मेरा अभी का 12th में एग्रीगेट है टोटल 91.2%। एंड यहाँ मैं बीकेजी क्लासेस को इस सब का श्रेय देना चाहती हूँ। बाकी सारे सर ने बहुत हेल्प करी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाई। मैं यहाँ पे 9th क्लास से थी। सर, इस बार 12th का रिजल्ट आया है, आपका क्या कहना है? 12th CBSE का अगर रिजल्ट देखा जाए तो जो निर्धारित डेट होती रिजल्ट की, उससे बहुत पहले आ गया। लगभग हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी 2021 के आसपास की, परंतु वो 2 तारीख में ही आ गया, और रिजल्ट खरगोन में खुशियों भरा रहा। अधिकांश बच्चों के रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के इर्द गिर्द ही रहे, और साथ ही साथ कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन से 1-2% ऊपर ही नजर आया रिजल्ट। खरगोन शहर में अगर मैं पिछले 17-18 सालों से रिजल्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ये रिजल्ट पिछले रिजल्टों से मतलब बहुत बढ़िया रहा है। अगर मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को एनालिसिस करूं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही 11 बच्चे 90%+ पर रहे हैं, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। जनरली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1, 2 या 3 बच्चे 90+ में रहते हैं, परंतु बीकेजी के लिए एक बड़ा क्रेडिट और गौरव का विषय है कि यहाँ पे 90%+ वाले बच्चे 11 बच्चे रहे हैं, और खरगोन शहर में CBSE 12th के टॉपर देने का पुनः भगवान के आशीर्वाद द्वारा श्रेय बीकेजी क्लासेस को प्राप्त हुआ है। बीकेजी क्लासेस की स्टूडेंट्स तनिषा मौर्य ने खरगोन शहर में CBSE 12th क्लास में टॉप किया है। उसने 93.8% बनाकर खरगोन शहर में प्रथम पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 93% से प्रद्युम्न चांदोरे ने सेकंड पोजीशन खरगोन शहर में हासिल की है, और इस प्रकार कंटिन्यूसली हमारे पास 10 बच्चों के नाम हैं जो 90%+ जोन में हैं, और इन्होंने बेस्ट परीक्षा परिणाम दिए हैं। और पुनः मैं इसकी सफलता का श्रेय बच्चों की मेहनत, टीचरों के मार्गदर्शन, स्कूलों के कॉपरेशन को देना चाहूँगा। कोई भी रिजल्ट जो होता है वो केवल मात्र एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही नहीं निकलता है, उसके लिए बच्चे का भी माइंड पावर उस लेवल का होना चाहिए। कोचिंग